हर फेस वॉस अलाइट विथ हैप्पीनेस वेन शी अलाइटेड फ्राम द ट्रेन अलाइट वर्ड अगर हम किसी के फेस के साथ या आइज़ के साथ यूज़ करते हैं दैट मीन्स कि वो पर्सन स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहा है एक्साइटमेंट का या हैप्पीनेस का प्लेजर का तो जैसे कहते हैं उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था तो चमक रहा था मतलब ये एक कहने का तरीका होता है जैसा कि हमारा ये सेंटेंस है हर फेस वॉश अलाइट यानी कि उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था ये कहने की कोशिश की गई है ये इस सेंटेंस में तो इस तरह से हमारा अलाइट वर्ड यूज़ होता है एडजेक्टिव की तरह दूसरा तरीके से जो यूज होता है वो है कि अगर किसी चीज़ के लिए हम अलाइट वर्ड किसी चीज़ के साथ यूज़ कर रहे हैं यानी कि दैट uh, टाइम वो प्रकाशमान है प्रकाशित है इल्यूमिनेटेड है लाइटेड अप है ऐसी चीज़ें चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जैसे द स्काई वॉज अलाइट विथ हंड्रेड्स ऑफ फायर वर्ग्स फायर वर्क मतलब कि ये दीपावली में की जो आतशबाजी होती है उसको हम फायर वर्क कहते हैं तो द स्काई वाज अलाइट विथ हंड्रेड ऑफ फायर वर्क या द स्काई वॉज अलाइट विथ स्टार्स यानी कि जो आसमान था बिल्कुल चमक रहा था आतिशबाजी से तो यहाँ भी अलाइट वर्ड का हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह तीसरा जो तरीका होता है अलाइट वर्ड को यूज करने का अगर कोई चीज़ बर्निंग है तो उसके लिए भी हम अलाइट वर्ड यूज़ करते हैं एग्जाम्पल uh, सेंटेंसेस का है कि द प्रोटेस्टर सेट द कार अलाइट ऑन द रोड तो uh, ये कार को उनने बिल्कुल जलता हुआ फॉर्म कर दिया यानी जला दिया ये कहने की कोशिश की गई है तो अलाइट का uh, ये मतलब भी है किसी बर्निंग थिंग के लिए भी हम अलाइट वर्ड यूज़ करते हैं द एनिमी सोल्जर्स सेट द बिल्डिंग अलाइट ड्यूरिंग द वॉर ऐसा कह सकते हैं तो एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव ये तीन तरीके से यूज हो रहा है जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें आगे की लाइन जो थी व्हेन शी अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन अलाइटेड यहाँ वर्ब की तरह यूज हो रहा है हमारा अलाइट और इसका मतलब होता है कि कहीं से उतरना टू गेट डाउन फ्रॉम समथिंग लाइक बस ट्रेन बोट कहीं से ऐसे उतरने को यहाँ सेंटेंस में भी यही मतलब है व्हेन शी अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन जब वो ट्रेन से उतरी ठीक yeah. है तो uh, उतरने के लिए ये यूज uh, होता है हमेशा ये फ्रॉम के साथ यूज होगा फ्रॉम बस फ्रॉम ट्रेन फ्रॉम बोट इस तरह से दूसरा यूज जो एज अ वर्ब है वो होता है कि जैसे कहते हैं ना तितली फूल पर आके बैठी या वो चिड़िया उस पेड़ पे बैठी तो लैंड करने को किसी चीज़ का कहीं पे लैंड करने के लिए भी हम ये अलाइट वर्ड यूज करते हैं जैसे द बटरफ्लाई अलाइटेड ऑन द फ्लावर ये हो गया और तीसरे तरीके का यूज एज अ वर्ब जो होता है कि टू सी सडनली समथिंग और फाइंड समथिंग सडनली किसी अचानक से किसी चीज़ को पे नज़र पड़ना या अचानक से हमें दिख जाना तो इसके लिए भी हम अलाइट वर्ड यूज़ करते हैं जैसे कि हर आईज अलाइटेड ऑन स्मॉल चाइल्ड इन दैट रूम यानी कि अचानक से उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ी तो इस तरह से हमारा वर्ब एज अ वर्ब भी अलाइट वर्ड के बहुत सारे यूजेज़ होते हैं एज़ पर सेंटेंसेज और ये बिल्कुल डिफरेंस थोड़ा सा ही स्लाइट का ही होता है अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे कि ये एज़ ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है और एज़ अ वर्ब यूज़ हो रहा है तो मीनिंग बिल्कुल ही बदल जाती है क्योंकि एज अ एडजेक्टिव ये एक तरफ़ बिल्कुल कुछ बर्न हो रहा है उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर सिंपली कहीं से उतरना किसी बटरफ्लाई का कहीं पर लैंड करना या नज कहीं पर नज़र पड़ना तो थोड़े से फर्क से हमारा मतलब बहुत ज्यादा बदल सकता है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो अलाइट वर्ड है वो एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है और एज ए वॉक